नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएमआर भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ सलमान। तो चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। श्री गंगानगर की पंचायत समिति रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत समेजा कोठी के गांव 15 पीटीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार सुखविंदर पाल ने ठोकी अपनी ताल। गांव गांव ढाणे ढाणे जाकर कर रहे अपना धुआंधार प्रचार। किसानों का मिल रहा है भरपूर समर्थन, किसानों की सुनी जा रही है समस्या। सुखविंदर पाल का कहना है कि सोसाइटी के हर प्रकार के खाद बीज आधुनिक मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली जमींदार के काम आने वाले सभी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली रोटावेटर बीज मशीन डोली करा अन्य किसान के काम आने वाले सामान उचित मूल्य पर किराए पर दिए जाएंगे। ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड 5 के एसडी वार्ड नंबर 7 से उम्मीदवार सदस्य बलकरण सिंह ने ठोकी अपनी ताल। गांव गांव ढाणे ढाणे जाकर अपना धुआंधार प्रचार प्रसार किया। किसानों का मिल रहा है भरपूर समर्थन। बलकरण सिंह का कहना है कि सोसाइटी में हर प्रकार के खाद बीज आधुनिक मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली जमींदार के काम आने वाले सभी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली रोटावेटर बीज मशीन डोली करा अन्य किसानों के काम आने वाले सामान उचित मूल्य पर किराए पर दिए जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएम भारत टीवी। बिल्कुल मैं आपको फिर ग्राउंड रिपोर्ट पर लेकर आया हूं। जो चुनावी सरगर्मियां बिल्कुल तेज़ हो चुकी हैं, ग्राम सेवा सहकारी समिति बिल्कुल उसके जो चुनाव है बिल्कुल सरगर्मियां तेज़ हुई है। इसी कड़े से आज हम पहुँचे हैं वार्ड नंबर 7 से, जो बलकरण जी जिन्होंने तार ठोक दी उम्मीदवारी की, उनसे खास बातचीत करेंगे। क्या उनके विकास के मुद्दे रहेंगे, क्या उनके एजेंडे रहेंगे। सर, सबसे पहले तो चैनल में स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। पूरा अपना नाम, पूरा परिचय बताइए सर, कौन से वार्ड से चुनाव फाइट कर रहे हो आप? मेरा नाम बलकरण सिंह है, मैं वार्ड नंबर 7 से फाइट कर रहा हूँ। चुनाव चिन्ह ताला उतरना ठीक। तो बिल्कुल सर, 7 नंबर वार्ड से चुनाव फाइट कर रहे हो, तो सर जो अपने आपके जो वोटर हैं उनसे क्या आपकी अपील रहेगी? उनसे जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान करेंगे। जो खाद बीज जो कि लोन का है जो भी है उसकी समस्या ज़्यादा, जैसे वोटरों की अपील क्या रहेगी आपके कहने का मतलब, जैसे भी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर मुझे विजय बनाएं। हाँ, वो थोड़ा अपना पूरा सर्कल बता दीजिए सर। हाँ, वो सबसे अपील है अभी ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर विजय बनाएं। सर बिल्कुल, वार्ड के अंदर टोटल कितने वार्ड हैं? 12 वार्ड है। 12 वार्ड है, तो बिल्कुल आपके सामने सर कितने सर कैंडिडेट खड़े हो चुके हैं? 2 कैंडिडेट हैं। अच्छा, 2 कैंडिडेट, एक आपके सामने। हाँ जी, ठीक है। तो सर बिल्कुल बात करते हैं सोसाइटी के अंदर, सर समस्या तो बहुत बड़ी आपकी आती है सर किसानों को। सर किसानों को मौके पर लोन नहीं मिल पाते सर, अगर कोई लोन मिल पाता तो उनको उगित नहीं करवाया जाता। सर ऐसा कुछ देखने को मिला? नहीं, अभी तक तो नहीं मिला। जो हमारे समय आएगा समाधान करेंगे। सर बिल्कुल बात करते हैं खाद बीज की सोसाइटी में, अगर सर किसानों को मुख्य रूप की अगर खाद नहीं मिल पाती, काफ़ी लंबी लाइन लगानी पड़ती है, काफ़ी परेशान होते हैं किसान। अगर सर यहाँ की जनता आपको मौका देती है इस बार, आपके क्या सर वादे रहेंगे? वादे रहेंगे उनको खाद बीज समय पर मिलेगा, जैसे इस बार हम DAP के लिए जरूर बट करें, ऐसा नहीं होगा। सर आपकी सोसाइटी के अंदर लमसम कितने लोन माफ़ हो चुके हैं, जैसे किसानों ने जैसे ज़मीन पर पैसे वगैरह उठा रखे हैं, या कोई गाय का लोन हो गया, कोई भैंस का लोन हो गया? पिछली बार जो हमें लोन मिला था वो सर माफ़ हो गया। हाँ जी, दूसरा दो बार भाई मिली। सर वीएम भारत टीवी के अंदर 5 मिनट टाइम देने के लिए धन्यवाद सर आपका। श्री गंगानगर की पंचायत समिति रायसिंह नगर की ग्राम पंचायत समाज कोटी के 15 पीटीडी ग्राम सेवा सहकारी समिति वार्ड नंबर 2 से उम्मीदवार महेश कुमार ने ठोकी अपनी ताल। गांव गांव ढाणे ढाणे जाकर अपना धुआंधार प्रचार प्रसार किया। किसानों का मिल रहा है भरपूर समर्थन, किसानों की सुनी जा रही है समस्या। किसानों की समस्या का समाधान कराना हमारा प्रयास रहेगा, ये कहना है महेश जी का। महेश जी पुनिया का कहना है कि सोसाइटी में हर प्रकार के खाद बीज आधुनिक मशीन ट्रैक्टर ट्रॉली जमींदार के काम आने वाले सभी साधन उपलब्ध कराए जाएंगे। ट्रैक्टर ट्रॉली रोटावेटर बीज मशीन डोली करा अन्य किसानों के काम आने वाले सामान उचित मूल्य पर किराए पर दिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीएमआर भारत टीवी। और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।